हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति 2023 पई किछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स उपरे। ये होचे करंट अफेयर्स माराथन क्लास 1। एथरे आम डिस्कशन करिबा 100 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 100 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछ आपन माने पई, हु वाज ऑनर्ड विथ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023। से कहे 2023 फिल्म फेयर अवार्ड्स रे क्या बेस्ट एक्टर अवार्ड रो सम्मान दिगला। तो ये चारिटा ऑप्शन रही, कृति सानन, कियारा आडवाणी, ऋचा चड्डा, आलिया भट्ट। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम वर्तमान लेटेस्ट चेयरपर्सन आमर नियुक्ति होती, ना कौन से पचार। तो नास्कॉम नुआ चेयरपर्सन वर्तमान बनी किए ना, राजेश नाम्बियार वर्तमान नुआ चेयरपर्सन बनी। एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, ह्विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इवाकुएट द स्ट्रांडेड इंडियंस फ्रॉम सुडान। सुडान रे गृहयुद्ध चली था। तो सेठी जो आमर इंडियन माने सेठी जाई काम करथले रहउथले, सेठू माने सुरक्षार सहित आम देश को आनिबा पई आमर भारत सरकार को ऑपरेशन लॉन्च करथले से पचारिछि। सेमान को सुरक्षा सहित आम देश को आनी थे को ऑपरेशन माध्यम रे ना, ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को किए आमर पब्लिश करे, को ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश करे किए ना, हेरिटेज फाउंडेशन पब्लिश करुच्छे। नेक्स्ट रही, हु वाज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट कहाँ को निर्वाचित करा जाए रिसेंटली। तो रिसेंटली किए निर्वाचित होती से होती पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7000 रन्स इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट रे 7000 रन द्रुतगति रे संग्रह कर भारतीय बैट्समैन किए, भारतीय बैट्समैन किए जे कि कम मैच रे 7000 रन संग्रह कर चंती, तो से होचंती केएल राहुल 197 मैच रे कर चंती। आउ सेकंड होचंती विराट कोहली 212 212टा मैच कर चंती। आउ जदि ऑल वर्ल्ड लेवल रे देखबा ताले बाबर आजम 187 मैच रे से 7000 रन संग्रह कर चंती। बाबर आजम से कहि फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन पचारिछि, तो आमर केएल राहुल होचंती फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन जे कि 197 इनिंग्स रे 7000 T20 रन संग्रह कर चंती। नेक्स्ट रही, व्हिच स्टेट वाज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। से कहे फसल बीमा योजना रे क्या नेशनल अवार्ड रे सम्मानित करागला, को स्टेट को नेशनल अवार्ड रे सम्मानित करागला। तो फसल बीमा योजना पई नेशनल अवार्ड पाई किए ना, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप इन 2023। 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप को क्यों देश होस्ट करी, एटा ऑलरेडी हो सारी, तो कौ देश होस्ट करी ना, एटा होस्ट करी किए आर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज ऑनर्ड विथ द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। 2023 लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रे क्या पुरस्कृत करागला। 2023 लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रे सम्मानित होती किए ना, आमर आशा भोसले। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर, आशा भोसले। नेक्स्ट रही, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासास मून टू मार्स प्रोग्राम। से कहे नासार मून टू मार्स प्रोग्राम पई प्रथम चीफ रूपे क्या निजुक्ति करागला। तो मून टू मार्स प्रोग्राम पई नासार फर्स्ट चीफ रूपे निजुक्ति होती अमित क्षेत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच स्टेट 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। से कहे रिसेंटली कौ स्टेट रे 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कंप्लीट हो। तो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम कंप्लीट होना, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर, हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर डिड द फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग टेक्स प्लेस से कौची कौठारे प्रथम G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग आमर होता आयोजित होता तो करेक्ट आंसर हो गुजरात गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो नाटो माने नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाटोर 31तम सदस्य रूपे क्यों देश सामिल है नाटो रे 31तम सदस्य रूपे सामिल है किए से हूँ फिनलैंड ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर फिनलैंड। नेक्स्ट रही हु ओन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल इन मार्च 2023 से कौचि मार्च 2023 दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल को किए जीति मार्च 2023 दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल विनर होचंती के अरविंद चिदंबरम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्यों राज्य टॉप करी से पचारि तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कौ राज्य टॉप करी एटा हूँ आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक एसब क्वेश्चन 2023 मे जून जुलाई क्वेश्चन अच्छी आउ किसी अक्टोबर क्वेश्चन एड कर तो ये करेक्ट आंसर हो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सलीम दुरानी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड तो सलीम दुरानी रिसेंटली मृत्युवरण करिसंती तो से क्यों खेल सहित संपर्कित से पचारि को फील्ड सहित संपर्कित ऑलरेडी आपको क्लू देदेली तो को फील्ड सहित संपर्कित पॉलिटिक्स ना जर्नालिज्म ना क्रिकेट ना साइंस तो ऑलरेडी मुझे सारी क्रिकेट सहित संपर्कित जड़े क्रिकेट प्लेयर थी एग्जाम पे इंपोर्टेंट मन रख पचारिपे हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड तो अर्जुन अवार्ड पाई प्रथम क्रिकेटर किए से हूँ सलीम दुरानी अर्जुन अवार्ड पाई प्रथम क्रिकेटर एग्जाम पचार पार हु वाज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड ऑफ फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर तो प्रथम भारतीय क्रिकेटर किए जे कि अर्जुन अवार्ड पाई से हूँ सलीम दुरानी तो क्रिकेट सहित रिलेटेड अटे। नेक्स्ट रही हु टुक ओवर एज 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन से कौचे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन रो 40 नंबर प्रेसिडेंट रूपे किए दायित्व ग्रहण करछंती तो करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर ए सुधा शिवकुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन रो 40 नंबर प्रेसिडेंट बनीछंती। नेक्स्ट रहिछि हु ओन हेर फर्स्ट मियामी ओपन क्राउन रिसेंटली किए तार प्रथम मियामी ओपन क्राउन जीतिछि तो करेक्ट आंसर हो पेट्रा क्विटोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रोड द बुक वार एंड ओमेन बुक किए लिखी से पचारि वार एंड ओमेन बुक रो लेखक हूँ एम ए हासन। नेक्स्ट रही हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया वर्तमान इंडिया रो जीएसटी काउंसिल रो चेयरपर्सन किए अच्छा वर्तमान इंडिया रे जीएसटी काउंसिल रे चेयरपर्सन अच्छा किए से पचारि तो जीएसटी काउंसिल रे चेयरपर्सन सब बेले फाइनेंस मिनिस्टर रहंती तो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर किए अच्छा ना निर्मला सीतारमण वर्तमान अच्छा आमर फाइनेंस मिनिस्टर बा अर्थमंत्री तो से ही आमर जीएसटी काउंसिल रे चेयरपर्सन रुहंती। नेक्स्ट रही हु ओन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन फॉर्मूला 1 रेस 2023 से कौच 2023 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस रो विजेता किए तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस विनर होचंती मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी रो नुआ वाइस चीफ रूपे किए नियुक्ति होचंती तो इंडियन नेवी रो नुआ वाइस चीफ अछंती किए ना संजय जसजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु विल बी द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो टू मून अंडर मिशन आर्टेमिस 2 से कहते जे मिशन आर्टेमिस 2 अंडर रे मून को जीवापी प्रथम महिला एस्ट्रोनॉट किए तो करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टिना कोच एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो।
नेक्स्ट रहिछि हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो से कहि रिसेंटली आमर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट रूपे किए दायित्व ग्रहण कले। तो नेशनल राइफल्स राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट वर्तमान दायित्व ग्रहण करछन्ति किए से होछन्ति कलिकेश नारायण सिंह देव। कलिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट ए मेन्स टी20 मैच। से कहि मेन्स टी20 मैच बा पुरुष टी20 मैच रे ऑफिशियली जने फीमेल प्रथम फीमेल जे कि अंपायर रूपे कार्य कले बा प्रथम फीमेल अंपायर किए जे कि मेन्स टी20 मैच रे अंपायरिंग करछन्ती प्रथम महिला होछन्ती किम कॉटन फर्स्ट फीमेल जे कि जने एम्पायर रूपे मेन्स टी20 मैच रे कार्य करछन्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड भरोसका बा ट्रस्ट ऑफ लॉन्च इट इज रिलेटेड टू। तो आमर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भरोसका बा ट्रस्ट ऑफ को लॉन्च करथिले सेटा कहाँ पाई कौन पाई से कहाँ से संपर्कित से पचारिछि सेटा वुमेन सेफ्टी पाई महिला को सुरक्षा पाई से भरोसका ऑफ को लॉन्च करथिले। नेक्स्ट रहिछि इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड अ पोस्ट ऑफिस विंग कंस्ट्रक्टेड। से कहि जे इंडिया रो को शहर रे भारत रो प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को उद्घाटन करा गला। ऑलरेडी हे जाइछि एटा पूर्व क्वेश्चन करथिले सेते विंग कंस्ट्रक्टेड लिखिथिले माने करा जाय चालिछि तो ऑलरेडी एला हमरा हे सारिछि। तो से कहि जे फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हमर कोठी उद्घाटन करा गला तो करेक्ट आंसर होछि बेंगलुरु। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो फर्स्ट 3D प्रिंटेड से पचारिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच प्लेयर ओन इंडियास फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चंपियनशिप 2023। से कहि 2023 एशियन रेसलिंग चंपियनशिप रे प्रथम गोल्ड इंडिया तरफ किए जीति तो फर्स्ट गोल्ड मेडल पाई किए से होती अमन शेरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच प्लेयर होल्ड्स द रेकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री। से कहि आईपीएल इतिहास रे 100 विकेट कम मैच रे द्रुत गति रे 100 विकेट हासिल करतिबा रेकॉर्ड का नाम रे रहिला तो करेक्ट आंसर होछि कगिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु ओन द फेमिना मिस इंडिया 2023 पेगांट। से कहि 2023 फेमिना मिस इंडिया अवार्ड विनर किए। फेमिना मिस इंडिया 2023 टाइटल विनर होचंती नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु वाज लिस्टेड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स लिस्ट। से कहि या भितर क्या आमर टाइम मैगजीन रो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट रे शामिल करा जाइछि तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द इंडियास रैंक इन द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड रे मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग जारी करा जाइथिला सेथिर इंडिया रे रैंक केते पचारिछि इंडिया रैंक होची 77th आउ सब एक नंबर अछि कि अफगानिस्तान। नेक्स्ट रहिछि अकॉर्डिंग टू एन एडीआर रिपोर्ट व्हिच स्टेट सीएम इज द वेल्थिएस्ट इन इंडिया बा रिचेस्ट इन इंडिया। तो से कहि इंडिया रो एडीआर रिपोर्ट अनुजाई इंडिया रो सबटारु धनी सीएम किए रिचेस्ट सीएम बा वेल्थिएस्ट सीएम होचंती हमरो किए ना आंध्र प्रदेश रे सीएम जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु हैज ओन द मालकम आदिसेसे अवार्ड 2023। 2023 मालकम आदिसेसे अवार्ड रे काकू विजयी घोषित करा जायछि बट विनर किए से पचारिछि 2023 मालकम आदिसेसे अवार्ड रो विनर होचंती उच्छा पटनायक। नेक्स्ट रहिछि हु ओन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द ब्राजिल पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल इन अप्रैल 2023। से कहि अप्रैल 2023 रे आमर ब्राजिल पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल रे महिला सिंगल्स टाइटल किए जीति महिला सिंगल्स टाइटल विनर होचंती नित्या श्री सुमाथी। नेक्स्ट रहिछि कुकुम
कुकुम पनीर थ्राट चाई ग्रेव्स व्हिच रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली फ्रॉम इज फ्रॉम व्हिच स्टेट और यूटी। से कहते कुकुम पनीर थ्राट चाई ग्रेव रिसेंटली जीआई टैग बा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाई तो सेटा को स्टेट रो बा राज्य यूटी रे से पचारि छि तो एटा तमिलनाडु अटे ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रेजेंट ए वाटर बजेट टू डील विथ वाटर स्कर्सिटी। जो पानी रो किल्लत होउछि पानी रो जो प्रॉब्लम होउछि ता सहित डील करिया पई ता सहित डील करिया पई रिसेंटली वाटर बजेट पास करछि प्रथम स्टेट किए प्रथम स्टेट किए जे कि इंडिया रे वाटर बजेट को पास करछि वाटर बजेट पास करथबा प्रथम स्टेट होउछि केरल। ऑप्शन नंबर सी होउछि करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट रही व्हिच सिटी विल होस्ट द 2023 मेन्स हॉकी एशिया एशियन ट्रॉफी। तो 2023 मेन्स हॉकी एशियन ट्रॉफी को क्यों शहर में आयोजित करा जाएगी तो करेक्ट आंसर होची चेन्नई रे। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट रही हु बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन्स इन आईपीएल। आईपीएल रे 4000 रन द्रुतगति से संग्रह करते बैट्समैन किए से पचारि आईपीएल रे 4000 रन द्रुतगति से संग्रह करते बैट्समैन होती के एल राहुल। ऑप्शन नंबर बी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु बिकम द फास्ट वोमेन एयरफोर्स अफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। से कहते प्रथम महिला एयरफोर्स अफिसर किए जे कि गैलेंट्री अवार्ड पाइब तो करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर बी दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा प्रथम महिला एयरफोर्स अफिसर जे कि गैलेंट्री अवार्ड रे पुरस्कृत होती। ऑप्शन नंबर बी होउछि करेक्ट आंसर दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट रे को स्टेट टॉप करिछि बा शीर्षर अछि तो करेक्ट आंसर होछि गोवा। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट। रिसेंटली 2023 इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स हमरो जारी करा जायछि तो सेथि इंडिया रैंक केते पचारछि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रे इंडिया रो रैंक होछि 42nd 42 नंबर। नेक्स्ट रही हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडेन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। तो से कहते प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर किए जहाँ को विजडेन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड रे पुरस्कृत करा नामित करा तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क विन इनागुरेटेड। से कहते इंडिया रे प्रथम वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क कौटी उद्घाटन करागला कौ जगार उद्घाटन करागला ना उत्तर प्रदेश रो ग्रेटर नोएडा रे करा जायछि पचारिबो कौ स्टेट ताले उत्तर प्रदेश जदि कौ प्लेस पचारिबो ताले ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट रही हु ओन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। एटा ऑलरेडी हम डिस्कशन करथिले एटा रिपीट हेछि क्वेश्चन टा तो एटा करेक्ट आंसर होछि मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट रही हु हैज बीन नेम्ड द AIFF मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। से कहते क्या 2023 रो AIFF मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड रे नामित करा जायछि। AIFF रो फुल फॉर्म होछि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड रे पुरस्कृत नामित होइछन्ति किए से होछन्ति लालियन ज्वाला चांगटे। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया रे रिसेंटली बास्केटबॉल फेडरेशन रो प्रेसिडेंट कहाँ को नियुक्ति करागला इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन रो प्रेसिडेंट बनी वर्तमान अधव अर्जुन। नेक्स्ट रही व्हिच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। से कहते ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 अनुजाई वर्ल्ड रो सबुठारु अधिक शांति प्रिय देश कोटा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो मोस्ट पीसफुल कंट्री होची आमर आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर आइसलैंड।
नेक्स्ट रही हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम से कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम रो चीफ सिलेक्टर रूपे क्या निजुक्ति करा जाएगी। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम रो चीफ सिलेक्टर बने अजित अगरकर अजित अगरकर। नेक्स्ट रही ह्विच कंट्री ओन द टाइटल ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 साफ टाइटल को किए जीति साफ फुल फॉर्म होउछि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप टाइटल विनर होउछि आम देश इंडिया क्या परास्त करछि रनर अप होउछि कुवैत मन रखिए क्या परास्त करके इंडिया टाइटल जीति एमती भी क्वेश्चन पचारे कन्फ्यूज टे मैंने हार्ड करने तो पचार क्या परास्त करके से ए टाइटल हासिल करी तो कुवैत को परास्त करके ए टाइटल हासिल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज ओन द टाइटल ऑफ कनाडा ओपन। तो कनाडा ओपन टाइटल को इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जीति कनाडा ओपन टाइटल जीति भारतीय बैडमिंटन प्लेयर होती लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्विच फॉर्मूला वन रेसर हैज ओन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 तो 2023 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन टाइटल को किए जीति तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टापेन। तो जिते गुड़ाक जो ग्रैंड प्रिक्स टाइटल रही बर्तमान कंटिन्यूसली मैक्स वर्स्टापेन ही जितुंच मैक्सिमम आउ गोटे दुईटा अगर कहीं जितुंच तो आपटा को देखने। नेक्स्ट रही हू हाज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल आथलेट ऑफ द ईयर से कहे रिसेंट से कहे किए प्रथम भारतीय भारतीय जहाँ को बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल आथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड रे नामित कर। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी सेल्वा प्रभु थिरुमान। सेल्वा प्रभु थिरुमारन ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर सेल्वा प्रभु थिरुमारन। नेक्स्ट रही ह्विच कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वाज अवार्डेड टू पीएम मोदी से कहे प्रधानमंत्री मोदी को क्यों देशर सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड रे पुरस्कृत कर। तो करेक्ट आंसर होची फ्रांस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्विच इंडियन ओन द फर्स्ट गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल्स एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे 100 मीटर हर्डल रेस रे का हर्डल्स रे किए बा को इंडियन प्रथम गोल्ड मेडल जीति छंती। तो करेक्ट आंसर होची ज्योति याराजी। ज्योति याराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चंद्रयान थ्री मिशन हैज बीन लॉन्च्ड हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन। चंद्रयान थ्री मिशन आम लॉन्च करा जाए तो तार प्रोजेक्ट डायरेक्टर किए से पचार मिशन रो प्रोजेक्ट डायरेक्टर किए से पचार तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होती पी बीरा मुत्तुबेल। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर पी बीरा मुत्तुबेल। नेक्स्ट रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया से कहे लिथुआनियापाई इंडिया परवर्ती आंबासेडर क्या निजुक्त कर तो लिथुआनियापाई इंडिया वर्तमान आंबासेडर बनी किए से देवेश उत्तम। देवेश उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली व्हिच इन व्हिच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड ए प्रपोजाल फर द इनक्लूजन ऑफ कुई लांगुएज इन द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहे संविधान 8th स्केड्यूल आमर कुई लांगुएज को इनक्लूड करने प्रपोजाल को राज्य कैबिनेट दे आप्रूव कर। करेक्ट आंसर होची ओडिशा आमर ओडिशार कैबिनेट आप्रूव कर प्रपोजाल जहाँकि आमर भारतीय संविधान अष्टम स्केड्यूल कुई भाषा को इनक्लूड करने ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ओडिशा। नेक्स्ट रही हू ओन द टाइटल ऑफ दुलीप ट्रॉफी 2023 2023 दुलीप ट्रॉफी टाइटल को किए जीतिला 2023 दुलीप ट्रॉफी टाइटल रो विनर होचंती साउथ जोन। साउथ जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड से कहे भारतीय कोस्ट गार्ड रो तटरक्षक बाहिनी रो डायरेक्टर जनरल बा महानिर्देशक किए बनी।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड र 25वां डायरेक्टर जनरल बनी छथि किए से होछथि राकेश पाल। राकेश पाल नेक्स्ट रहिछि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज पर एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 अनुसार इंडियन पासपोर्ट रो रैंक केते इंडियन पासपोर्ट रो रैंक होछि 8th पोजीशन 80 नंबर। नेक्स्ट रहिछि व्हिच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो से कोछि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पई हमरो को बॉलीवुड एक्टर बा को बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति करा जायछि। ब्रांड एम्बेसडर रूपे चयन करा जायछि काकू ना शाहरुख खान को चयन करा जायछि। आउ ग्लोबल एम्बेसडर रूपे नियुक्त करा जायछि सचिन तेंदुलकर को। मने रखबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो आपन एग्जाम पचारिबो काकू ग्लोबल एम्बेसडर रूपे चयन करा जायछि तो सचिन तेंदुलकर। आउ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पई ब्रांड एम्बेसडर बनछथि शाहरुख खान। ए दिटा कन्फ्यूज हेबेनी सचिन तेंदुलकर ग्लोबल एम्बेसडर ये होछथि ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 मास्कट अनफील्ड व्हाट इज हिज नेम। से कहछि मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 रो मास्कट को उन्मोचन करा गला ता ना कोन से पचारिछि। मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 रो मास्कट होछि बोमन। बोमन ओटे एलिफेंट रो अटे तो ऑप्शन एलिफेंट ना तो बोमन होछि ऑप्शन वाले होछि करेक्ट आंसर एलिफेंट बोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच स्टेट हैज वोन द कंट्रीज बेस्ट स्टेट भूमि सम्मान अवार्ड अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। से कहछि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को द्वारा को स्टेट को आम देश को स्टेट को बेस्ट स्टेट हिसाब रे भूमि सम्मान रे पुरस्कृत करा जायछि। भूमि सम्मान रे पुरस्कृत होइछि कोठि को देश सॉरी को राज्य ना आम राज्य ओडिशा। आम राज्य ओडिशा को भूमि सम्मान अवार्ड रे पुरस्कृत करा जायछि। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर हैज द फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड। से कहते फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप आम 2023 कौटी स्टार्ट तो 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप आम कौटी आयोजित कराइला ना न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया रे। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैज ओन द यूके पीएम्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। से कहते को भारतीय वंशभव को स्टूडेंट को यूके रो पीएम्स लाइट ऑफ पीएम्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया जाए छी। तो यूके रो पीएम्स लाइट पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड क्या सम्मानित करा जाए छी से होचंति मोक्ष रॉय। से कहते यूके रो यूके पीएम्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विनर। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो यूके पीएम्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विनर होचंति मोक्ष रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु हैज बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया। से कहछि इंडिया रो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर किए। इंडिया रो सबुठारु अधिक समय धरी आमर मुख्यमंत्री थिबा सेकंड लॉन्गेस्ट किए से पचारिछि तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु विल बी ऑनर्ड विथ द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। से कहछि भारतीय सिनेमा रे काहाकु राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड रे सम्मानित करा जिवो तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु हैज ओन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023। 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल विनर किए। 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल विनर होछि अमर किए से होचंति मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु हैज बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ फुल फॉर्म होछि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को किए चेयरमैन रूपे नियुक्ति हेचंती बा निर्वाचित हेचंती तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रो चेयरमैन बनिछंती थानी बिन अहमद अल जेवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच स्टेट हैज इश्यूड द फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफाई ऑफ ए ट्रांसजेंडर पर्सन।
से कहे ट्रांसजेंडर पर्सन मान को रिकग्नाइज करने चिन्हट करने कौ राज्य प्रथम राज्य भारत में जी कि बर्थ सर्टिफिकेट को इश्यू कर तो बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर प्रथम राज्य होची किए सी होची राजस्थान ट्रांसजेंडर मानक जन्म सर्टिफिकेट दे प्रथम राज्य होची राजस्थान। नेक्स्ट रही हू हैज बिकम द फास्ट बोलर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री से कहते T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री रे 7 विकेट नहीं प्रथम बोलर किए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी सियाजरुल इद्रुस। सियाजरुल इद्रुस होचंती प्रथम क्रिकेटर बा बोलर जे की T20 इंटरनेशनल रे 7 विकेट नहीं गोटे मैच रे 7 विकेट नहीं से मलेशिया रो बोलर अटंती मलेशिया रो प्लेयर अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर इज छेलीगड़ मल्टीपर्पोज इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड से कहे आमर छेलीगड़ मल्टीपर्पोज इरिगेशन प्रोजेक्टा कौ जगार अच्छी कौ जिले अच्छी छेलीगड़ मल्टीपर्पोज इरिगेशन प्रोजेक्ट आम कौटी अच्छी ना गजपति डिस्ट्रिक्ट अच्छी गजपति डिस्ट्रिक्ट आम जो आर उदयगिरी अच्छी से एरिया अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकायुक्त ओडिशा ओडिशा लोकायुक्तर चेयरपर्सन किए बनी ओडिशा लोकायुक्तर चेयरपर्सन बनी वर्तमान किए अच्छा वर्तमान अच्छा जस्टिस अजित सिंह जस्टिस अजित सिंह। नेक्स्ट रही हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया रो प्रेसिडेंट वर्तमान किए अच्छा हॉकी इंडिया रो प्रेसिडेंट वर्तमान अच्छा किए से होती दिलीप तिर्की दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू व्हिच प्लेस इन इंडोनेशिया रिलोकेटिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जाकर्ता से कहे इंडोनेशिया रो कैपिटल जाकर्ता थिला ताकु रिलोकेटिंग तार अन्य जगह को शिफ्ट करा जाउछि तार राजधानी तो ता ना कौन से पचारिछि जाकर्ता तार राजधानी आउ कोठ के शिफ्ट करा गला से पचारुछि तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी बोर्नियो बा नुसंतारा होची तार नुआ कैपिटल इंडोनेशिया नुआ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन इज द नेक्स्ट FIH मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी ऑर्गेनाइज्ड से कहे नेक्स्ट आम जो FIH मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हम से कौ वर्ष हम ना 2026 किए किए कर बेल्जियम नेदरलैंड एटा को आयोजित करेंगे बेल्जियम एंड नेदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कहे LIC रो चेयरमैन वर्तमान किए अच्छा वर्तमान LIC रो चेयरपर्सन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो चेयरपर्सन अच्छा किए ना सिद्धार्थ महांती सिद्धार्थ महांती ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर सिद्धार्थ महांती। नेक्स्ट रही हू इज द करेंट कमिशन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन से कहे यूरोपियन यूनियन रो कमिशन प्रेसिडेंट किए अच्छा तो कमिशन प्रेसिडेंट अच्छा किए उर्सुला वोन डेर लेन उर्सुला वोन डेर लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रो डायरेक्टर वर्तमान किए नुआ नियुक्ति होती नुआ CBI डायरेक्टर होती प्रवीण सुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर डिड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनवील द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन May 2023 से कहे May 2023 आमर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी कौ जगार महात्मा गांधी को स्टैच्यू को उन्मोचन करिछंती तो करेक्ट आंसर होची कौन ना जापान रो हिरोशिमा रे उन्मोचन करिछंती। नेक्स्ट रही हु विल बिकम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर ट्विटर रो नुआ CEO किए नियुक्ति होती ट्विटर रो नुआ CEO वर्तमान अच्छा किए से होती लिंडा याकारिनो वर्तमान ट्विटर रो नुआ CEO अच्छा। नेक्स्ट रही हु ओन इंडिया फर्स्ट गोल्ड इन मेन्स डबल्स एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप तो से कहे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप रे मेन्स डबल टाइटल रे गोल्ड किए जीति तो मेन्स डबल टाइटल रे गोल्ड जीति भारतीय होचंती सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग सेट्टी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग सेट्टी।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଓନ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ନୁକର ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023। ସେ କହୁଛି 2023ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ନୁକର ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱିନର୍ କିଏ, 2023 ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ନୁକର ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱିନର୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁକା ବ୍ରେସେଲ। ଲୁକା ବ୍ରେସେଲ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଲୁକା ବ୍ରେସେଲ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ସି ଟନେଲ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି। ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡର ସି ଟନେଲ କେଉଁଠି ଆମର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ସହରରେ, ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇରେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ମୁମ୍ବାଇ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ସି ଟନେଲ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମର ସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟନେଲ ବନାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କନଫେଡ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ସ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଅନର। ସେ କହୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଭାରତୀୟକୁ ଆମର କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଅନରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଡକ୍ଟର ଏମ୍ଏନ୍ ନନ୍ଦକୁମାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମର 2-3 ଦିନ ତଳେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023 ଆମର ଜାରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରେଙ୍କ ପଚାରିଛି କେତେ। ଇଣ୍ଡିଆର ରେଙ୍କ ହେଉଛି 111, ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ ହେଉଛି 111। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ICC ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ଫର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023, ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହିଜ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ICC ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡରେ କାହାକୁ ନାମିତ କରାଗଲା। ICC ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍କୁ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଲିସ୍ତିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଗାଜା ଏରିଆରେ ହମାସ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅପରେସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଅପରେସନ୍ ଅଜୟ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ନା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ପଚାରିପାରିବେ, ତ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ହିଟ୍ 300 ସିକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ODI କ୍ରିକେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେ କହୁଛି ଆମର ଦିନକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ 300 ଛକା ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିଏ ସେ ପଚାରିଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି 306 ମାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ଼୍ ଦ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଇନ୍ 2023। 2023 ଆମର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 2023 ଫିଜିକ୍ସରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଫିଜିକ୍ସରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ପଚାରିଛି, ପିଏର୍ ଅଗଷ୍ଟିନ, ଫେରେଙ୍କ କ୍ରାଉଜ୍, ଆନ୍ ଏଲ୍ ହୁଲିୟର, ତ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ, ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ହୁ ବିକମ୍ ଦ କଷ୍ଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଇନ୍ ଦ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ଲେୟର ଅକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଦ ଓମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2023। 2023 ଓମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସାରେ ବିକାଯାଇଛି, ବା କିଏ ଯାଇଛି କାହାକୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସାରେ କିଏ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମ୍ବାସଡର୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମ୍ବାସଡର୍ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମ୍ବାସଡର୍ ବନିଛନ୍ତି
आयुष्मान खुराना एग्जाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। आयुष्मान खुराना होचंती यूनिसेफ इंडिया रो नेशनल अम्बासडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। से कहे भूटान रो प्रथम डिजिटल सिटीजन किए बनिले। हु बिकेम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द भूटान। भूटान रो प्रथम डिजिटल सिटीजन बनिछंती से होचंती प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक। प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग रो नुआ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान किए अछंती। नीति आयोग रो नुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीईओ अछंती बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। आ जदि पचारिबो वाइस चेयरमैन किए अछंती नीति आयोग रो, नीति आयोग रो वाइस चेयरमैन अछंती सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। आ वाइस आ चेयरमैन होछंती के निजे प्रधानमंत्री। नीति आयोग रो चेयरमैन होछंती निजे प्रधानमंत्री से होछंती हमरो नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब रो मध्य नुआ सीईओ नियुक्त होछंती। तो यूट्यूब रो नुआ सीईओ किए नियुक्त होछंती। यूट्यूब रो नुआ सीईओ बनछंती किए नील मोहन। नील मोहन बनछंती यूट्यूब रो नुआ सीईओ। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो। तो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन पई नरगेश महमदी ओन 2023 नोबेल पीस प्राइज सी बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। से कहे नरगेश महमदी 2023 नोबेल रे पीस प्राइज पीस रे नोबेल प्राइज पाई पीस पाई नोबेल प्राइज पाई। तो से क्यों देश रे बिलोंग करछंती। तो नरगेश महमदी 2023 नोबेल पीस प्राइज विनर से बिलोंग करछंती को कंट्री रु ना ईरान रु बिलोंग करछंती। से ईरान रु बिलोंग करछंती। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रे आपन पचारि पारे हु इज द विनर ऑफ 2023 नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2023 किए नरगेश महमदी को देश रु बिलोंग करछ पचारिबो ताले ईरान रु से बिलोंग करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। 2023 मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड रे कहा को पुरस्कृत करा जायछि बा विनर किए। 2023 मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड विनर होछंती पेगी मोहन। पेगी मोहन ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर पेगी मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन पाई हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बोलर टू टेक 100 विकेट इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल। से कहे टी ट्वेंटी इंटरनेशनल रे 100 विकेट नहीं प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर किए। तो प्रथम भारतीय महिला बोलर जी कि टी ट्वेंटी इंटरनेशनल 100 विकेट नहीं से होती दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रे क्यों देश टॉप करी छी। 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रे शीर्ष स्थान रे अछि किए से होचंती हमरो फिनलैंड। फिनलैंड होची टॉप रे अछि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 टॉप रे अछि फिनलैंड। आउ हमरो ग्लोबल पीस इंडेक्स रे आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण पई आज लास्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 बाय विनिंग ए टोटल ऑफ 161 मेडल। से कहे 161 मेडल सह 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे टॉप रे अच्छी कौ राज्य। तो करेक्ट आंसर होची महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे 161 मेडल सहित शीर्ष स्थान रे रही। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये थे आपण मानी माराथन क्लास पार्ट वन एम डिस्कसन कले 100 क्वेश्चन डिस्कसन कले आपने आउट ऑफ 100 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनई पारे। जदि भिडियो भल लगुच गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकारू अधिक मात्रा कृपया सांगे साथी मानक निहाती भावे सेयार करेंगे। आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आप माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो नेक्स्ट वीडियो आम नहींक आसवा आमर नेक्स्ट वीडियो रहिबो करंट अफेयर्स रो ओडिशा करंट अफेयर्स आम कंप्लीट कवर करिबो। ओडिशा करंट अफेयर्स आप मानकर जनवरी टू नहीं कि अक्टोबर पर्यंत आम कंप्लीट डिस्कशन करिबा जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।